कितनी बार छुपोगे संबित जी? आप हमारे बारे में बहुत बोल चुके हैं अभी पिछले 5 मिनट। बादलों के पीछे रॉकेट छिप जाएगा, रेडार में दिखेगा नहीं। ये किस महान वैज्ञानिक ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने भी अब शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति करते वक्त थोड़ी स्तर की राजनीति करनी चाहिए। स्तरहीन और तर्कहीन राजनीति कर देश का जो गरातल में डालने का काम भाजपा कर रही है वो सबको दिख रहा है। बंगाल में लीडर नहीं है, रैली हो नहीं रही है, ये उत्तर है। मीडिया में किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट होती ही है, और डिबेट में अक्सर सवाल विपक्ष के नेताओं से ही होते हैं, और सरकार की ओर से ज्यादा डिबेट में संबित पात्रा ही दिखाई देते हैं। आज हम संबित पात्रा की वह डिबेट देखेंगे जिसमें विपक्षी नेताओं और पार्टी पर गलत टिप्पणी करने पर संबित पात्रा को करारे जवाब मिले हों। आज तक पर राहुल गांधी के बयान पर डिबेट हो रही थी। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से सवाल किए, जिसके बाद वह कांग्रेस की आलोचना करने लगे, जिस पर कांग्रेसी नेता ने संबित पात्रा को करारा जवाब दिया। देखिए, आप अमेठी में चुनाव हार गए स्मृति जी से, ठीक बात है। आपको बहाना ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी बहाना ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खराब, ईवीएम खराब, और अब नॉर्थ इंडियन खराब हो गए हैं। उनको समझ नहीं है, ये कमाल की बात है। समझ क्या, सरकार का विरोध करते करते मतदाता का अपमान करना शुरू नहीं हो गया है? मैं समझा देता हूँ आपको, तो मालूम है आप समझती हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप समझती हैं, और संबित जी भी मनी मन समझते हैं, बहुत समझदार आदमी है, आफ्टर ऑल डॉक्टर हैं। लेकिन चलिए फिर भी समझा देता हूँ इन्हें। राजनीति कौन करता है? राजनीति राजनीतिक दल करते हैं, जनता नहीं करती। जनता का कहां से अपमान हो गया? अरे कितनी बार छुपोगे संबित जी? आप हमारे बारे में बहुत बोल चुके हैं अभी पिछले 5 मिनट। बादलों के पीछे रॉकेट छिप जाएगा, रेडार में दिखेगा नहीं। ये किस महान वैज्ञानिक ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था। नाले से गैस मिल जाएगी, ये किस महान शोधकर्ता ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था। एबीपी न्यूज पर राहुल गांधी के बयान पर हो रही डिबेट में संबित पात्रा कांग्रेसी पार्टी की आलोचना करने लगे और बुरा भला बोलते दिखाई दिए, जिस पर कांग्रेसी नेता ने संबित को बीच में टोका और मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। है चाहे आपका विपक्ष का नेता कितना भी गौण, मैं आदर के साथ कह रहा हूँ, कितना भी नासमझ, कितना भी बुद्धू, कितना भी मतलब नहीं समझने वाला क्यों ना हो, मगर आपको रेस्पेक्ट देना पड़ता है जी। आपको उसके बातों का रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, करना पड़ेगा। जिस दिन कांग्रेस पार्टी हटा देगी राहुल गांधी को, हम नहीं रिएक्ट करेंगे, और इसीलिए बार बार उनके ऊपर इस तरीके के आक्रमण होते हैं, और आक्रमण के लिए वो खुद ही इनविटेशन देते हैं। रुबिका जी, क्योंकि आपने नहीं चेक किया तो मुझे लगता है मैं ही चेक कर दूं। जब वो हमारे नेता को नासमझ और बुद्धू बुलाएंगे, तो अगर हम उनके नेता को झांसाराम और फेकू बुलाएं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अब शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति करते वक्त थोड़ी स्तर की राजनीति करनी चाहिए। स्तरहीन और तर्कहीन राजनीति कर देश का जो गरातल में डालने का काम भाजपा कर रही है वो सबको दिख रहा है, क्योंकि इतने हिमायती नॉर्थ के बन रहे हैं और स्मृति ईरानी जी डट पड़ी हैं, बन गई हैं, वाक पे वाक कटुता दिखा रही हैं। जरा ये बता दें कि भाई फूड पार्क अमेठी का क्यों बंद कर दिया गया? न्यूज 18 पर एक डिबेट में संबित पात्रा और विपक्ष के नेता के बीच बहस हो रही थी। हुआ यूं कि संबित पात्रा अपने जवाब में मुद्दे को घुमाकर कांग्रेसी पार्टी पर ले आई, जिसके बाद कांग्रेसी भी चुप ना रहे और बीच में टोक कर संबित पात्रा को सुनाने लगे। बहुत अजीब बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी के हस्बैंड होते तो हस्बैंड के ऊपर रेड पड़ जाता। आप बताइए किस प्रकार की बात है ये? देखिए, हस्बैंड होते तो मैं तो उसी प्रकार कहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी का लीडर होता तो वो जाता रैली करने के लिए बंगाल में। लीडर नहीं है तो रैली हो नहीं रही है, ये उत्तर है। मैं तो संबित जी इनका तबियत क्यों खराब हो गया है? मेरे भाई, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप शांति से बैठो, शांति से बैठाओ, पूरे देश शांति से बैठाओ। पहुंचा दिया ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या हाल हो गया? कुछ लेते क्यों नहीं आज तक पर किसी मुद्दे पर डिबेट जारी थी और संबित पात्रा अपने जवाब में पैनल में मौजूद कांग्रेसी नेता को बुरा भला बोलने लगी, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने संबित पात्रा को
उन्हीं के शब्दों को लेकर खूब सुनाया। मेरा एक सवाल है, मैं 100 रुपए में पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरा रही हूँ, ONGC के डायरेक्टर साहब हैं, ये बताएं कि ONGC का एक्सप्लोरेशन बजट 12,000 करोड़ रुपए था, अब 6,000 करोड़ क्यों है? जिस बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या? बताइए, हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता है क्या? क्या हुआ कर रही है? शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। नहीं नहीं, बैठ के सुनिए, मैं आपके से मुंह नहीं कर रहा था, सुनिए। यहाँ पे तरह तरह के मुंह बना के यहाँ पर आवाज निकालती रहती है, आप सुनिए यहाँ पे। पहले बैंड किसका बज रहा है पूरा देश जानता है, और राहुल गांधी के अकेले की बैंड नहीं बज रही है, पूरे कांग्रेस पार्टी की लुटिया भी डुबो रखा है और बैंड ही बजा रखा है। ये तू तड़ाक करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो समझ लो इस बात को, 100 रुपए का तू तड़ाक करना बंद करो, नहीं तो मैं मुझे भी तू तड़ाक करना आता है। भद्रता के दायरे में रहना सीखो, चिल्लाना बंद करो, बैठो शांति से, बैठो चुपचाप, बैठो चुपचाप, बैठो। ठीक है, ठीक है, वापस डिबेट में प्लीज आप दोनों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं। देखिए, सबित पात्रा विपक्ष के नेताओं पर अक्सर हावी होते दिखाई देते हैं, पर इस बार उन्हें गलत टिप्पणियां करने को लेकर विपक्ष की ओर से खूब सुनने को मिला। अगर वे ऐसा ही करते रहेंगे तो विपक्ष के नेता उन्हें सुनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।